हे गाइस, वेलकम बैक विद मी सुगंधा। तो आज हम बनाने वाले मैंगो कोकोनट बर्फी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आम लिया है जिसका वेट लगभग 600 से 700 ग्राम है। तो हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। हमें इसके छिलके निकालने के बाद लगभग 500 ग्राम तक इसका पल्प मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट में जो मिलता है कैनिंग वाला, उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश वाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है गाइस। तो हम इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है गाइस। तो इसे हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो ये अपने आप ही पीस जाएगा इसी लिक्विड में। ये हमारा डन हो चुका है गाइस। तो हमें मिक्स करके देखना है इसमें कि इसमें कोई चंक्स तो नहीं है। हमें यहाँ पे चंक्स नहीं चाहिए। हमें इसे एक बार मिक्स करके देख लेंगे अच्छे से। अब हम इसे साइड को करके यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को हीट करने के लिए रखा है और उसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे 150 ग्राम हमारा शुगर है और उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी हमारा 85 ml पानी। तो अब हम इसमें पानी के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को चालू करके इसे पकने के लिए रख देंगे क्योंकि हमने इसमें पानी पहले ही कम डाला है, तो इसका समय कम लगेगा पकने का। मतलब 5 मिनट के अंदर ये एक तार की चाशनी हमारे बन के रेडी हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें कच्चा दूध डाल के इसकी इम्प्योरिटीज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं वो प्रोसेस यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रही क्रश कार्डमम है मेरे पास, हरी इलायची जिसे मैंने कूट के लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे एक तार की चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा रही होगा यहाँ पे, शायद आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी चाशनी बन के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चाक आते हैं गाइस बनने के बाद। तो उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप फ्रेशली ग्रेट किया कोकोनट अमृत हमारे पास, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अगर आप सॉफ्ट वाली बर्फ़ी चाहते हैं तो आप इसे इसी स्टेज पे बंद कर सकते हैं और ठंडा करके इसे सेट करने के लिए रख सकते हैं, लेकिन हमें थोड़े हार्ड वाले बना रही हूँ तो थोड़ा टाइम 4-5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून घी ऐड किया है यहाँ पे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें से चाशनी पूरी निकल नहीं जाती, यानी कि इसका पानी सारा सूख नहीं जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑलमोस्ट सारा पानी निकल चुका है। तो इसे स्टेज पे हम मिक्स करके इसकी गैस को बंद करेंगे क्योंकि अगर इसे आप इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये अभी जलने लगेगा नीचे से। तो हमें इसके गैस बंद करके इसे इसे पैन में चलाते हुए ठंडा करना है ताकि नीचे से ये जले ना। हमें इसे 80% तक ठंडा करना है, उसके बाद हमें इसे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक के टिन में क्लीन रैप को सेट किया है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्लाइस पिस्ता ऐड किया है। तो उसके ऊपर अब हम हमारा ये मिक्सचर डालेंगे जो 80% ठंडा हो चुका है गाइस। इसे हमें डालने के बाद तुरंत ही सेट करने के लिए डालना है क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो ये पूरा क्रिस्टलाइज शुगर हो जाएगी हमारी। हमें इसका बेस चाहिए नीचे, तो इसे हम पतली लेयर में सेट करेंगे। ये लगभग हमारा हो चुका है गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी क्रिस्टलाइज हो चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैं उसी पैन में हमारा मैंगो पल्प ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो टिन वाला यूज़ करें तो इसमें शुगर की क्वांटिटी तो आपको चेक करनी पड़ेगी क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रेश मैंगो यूज़ करी, तो यहाँ पर मैं 1/2 कप शुगर ऐड करूँगी। आप अपने पल्प के हिसाब से इसमें शुगर ऐड कीजिए। यह 1/2 कप मैंने शुगर यहाँ पे ऐड किया और उसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँ 1 कप हमारा ये फ्रेशली ग्रेट किया हुआ कोकोनट है।
इन्हें अब हमें चलाते हुए मिक्स करना है जब तक इसमें पूरा मॉइस्चर निकल नहीं जाता। इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें लगभग 5-6 या फिर आपके गैस के फ्लेम के हिसाब से भी टाइम थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है गाइस। आप तो अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँ 2 टीस्पून यहाँ पे देसी घी। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं। इसे हम थोड़ा टाइम और पकाएंगे और निकाल लेंगे। ये ऑलमोस्ट जमने की कंसिस्टेंसी में रेडी हो चुका है गाइस। तो ये देखिए, आप भी देख सकते हैं यहाँ पे, और पैन की साइड अभी छोड़ने लगा है ये। तो अब हम इसके स्टेज पे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम करके बाद में बंद करेंगे। देखिए ये रेडी हो चुका है, फ्लेम को बंद करेंगे हम यहाँ पे और इसे हम ठंडा करेंगे। इसे भी हमें 50% ही ठंडा करना है। उसके बाद हमें तुरंत इसको हमारा जो शुगर को हमने सेट करने के लिए रखा था उस पर डालना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो हम शुगर के बर्फ़ी नहीं निकाल सकते नीचे जो हमने लेयर लगाई उसे, क्योंकि अभी मैंगो पल्प गर्म है तो शुगर अपना पानी थोड़ा रिलीज़ करेगा, तो हमें आसानी होगी उसे पीस में कट करने के लिए। हमें इसे थोड़े टाइम के लिए ठंडा करना है गाइस। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीस कट कर सकते हैं जो भी शेप में आपको पसंद हो। मैं इसकी इमेज लास्ट में दिखाऊंगी कि मैंने इसको टर्न किया था तो ये कैसे निकला था। हमें बीच बीच में इस चूरी को क्लीन करते रहना है गाइस, ताकि बर्फ़ी का मिक्सचर ऊपर ना आ जाए। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से मैंने साइड से निकाल के इसे कट किया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल बटन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।